आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ 1 जुलाई से साइकिल यात्रा शुरू की है। एएसपी ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो नारे की हुंकार के साथ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और आदिवासियों को संगठित कर बहुजनों की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। यह साइकिल यात्रा समूचे प्रदेश में 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलाई जाएगी। बसपा संस्थापक कांशीराम साहब के सपने को साकार करने के लिए निकले चंद्रशेखर रावण का कहना है कि इस साइकिल यात्रा के माध्यम से 6,743 जातियों में बांटे गए बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। युवाओं का नेता उभर कर निकले चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि हम बहुजनों पर किसी कीमत पर शोषण अत्याचार नहीं सहेंगे। बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा के मैदान में पहुंचे एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का पुष्प वर्षा कर ऐतिहासिक स्वागत सम्मान किया गया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होकर विपक्षियों को करारा जवाब दिया। देखिए, बहुजन साइकिल यात्रा 1 तारीख से 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारे कार्यकर्ता हर गली, हर ब्लॉक, हर गांव, हर तहसील, हर विधानसभा, जिला, कस्बा सब जगह घूम रहे हैं और जन विरोधी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल में रही है उनको जनता के बीच लेके जा रहे हैं। और इसलिए लेके जा रहे हैं कि जनता फैसला करे कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में अभी है, इसने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सिखों को, बुद्धिस्टों को, गरीबों को, ये जो व्यापार करने वाले लोग हैं, मजदूरों, इनको क्या दिया है। पिछले 5 साल में वो लोग आगे बढ़े, 4.5 साल में यहाँ पीछे हटे हैं। और मैं आगरा में हूँ, यहाँ का जो चमड़ा उद्योग है, जूता बनाने का काम पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आज हालात देखिए, ट्रेनिंग सारी बंद हो गई है क्योंकि सरकार जो है चाहे एक तरफ तो चाइना का विरोध करती है, दूसरा चाइना का माल खरीद के जो है यहाँ सब चीजें चल रही है और यहाँ का एक बड़ा तबका, सारे यहाँ के कारखाने बंद है। तो मैं आज आगरा में आया हूँ, यहाँ के लोगों से यहाँ की समस्या जानेंगे और उनके निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। अभी हम लोग सरकार में नहीं, विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज उठाएंगे, उनकी लड़ाई को साझी लड़ाई बना के सड़कों पर आंदोलन करेंगे। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो फिर इन परेशानियों को जड़ से खत्म करेंगे कि जनता के हित में काम हो और जनता को एक अच्छी सरकार मिले। देखिए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं भीमा आजाद समाज पार्टी के और ये भीमा आर्मी के, जो हमारे लीडर्स तय करेंगे हम उस पर काम करेंगे। मैं तो आजाद समाज पार्टी तैयार लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, आप अखिलेश जी के साथ आपकी तीन बार आप उनसे। देखिए, लोकतंत्र में किसी से मिलना या किसी से बात करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, इस समय चुनाव आ रहे हैं तो मिलना एक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके पास कोई ऐसा फोटो तो दिखाइएगा। मैं तो आपको सीधी बात कहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा और कल जो देखा हमने, ये कट्टा बम जो है ये वही सुने थे बंगाल में, लेकिन ये तो यहां भी आ गए। तो वहां जब बीजेपी के लोगों पर हमला होता था तो लोकतंत्र की हत्या थी, वो सत्ता का दुरुपयोग था। यहां जब कल यहां बहनों का चीरहरण हो रहा है, ये सत्ता के भूखे लोग, बीजेपी के लोग, जिनको महिला, ये कहते हैं महिला बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और कल इनके गुंडे सरेआम महिलाओं को जो है यहाँ उनका चीरहरण कर रहे थे, तब कहाँ गया मुख्यमंत्री। तो ये नारे जो है ना, खोखले नारे, इससे काम नहीं चलेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। रोज बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और ऐसी सरकार क्या फायदा इसमें होता है। कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और अगर जहां कहीं है तो बीजेपी के नेताओं के चौखट पे जो है कानून दम तोड़ चुका है, इसको वापस बनाना पड़ेगा। अच्छा उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश को, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। प्रयास है कि आगरा से आप चुनाव लड़ना, आगरा छावनी से भी। देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा ये तो बाद की बात, लड़ूंगा या लड़ूंगा ये हमारी लीडरशिप तय करेगी। जैसा हमारी यहाँ की यूनिट तय करेगी हम उस पर खड़े उतरेंगे। मैंने फिर कहा कि मैं आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे इन लोगों ने अभी आगे बढ़ाया, कल ये कहेंगे कुछ और काम कर लो तो वो भी करेंगे। तो आज यहाँ, कल मध्य प्रदेश जाएंगे, वहां आदिवासी पांच भाई परिवार की हत्या हुई पूरे की। तो इसलिए हमारा काम है काम करना, हम करें। बुलंदशहर में तो हम तीसरे नंबर पर है, तो जनता का समर्थन है, जनता बनाती, जनता बिगाड़ देती है। कौन क्या है, कौन किसका एजेंडा है, तो जनता तय करेगी। मैं बहुजन समाज का एजेंट हूँ और बहुजन समाज के लिए अपना खून बह के कतरा लगा सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ, और कोई नेता देगा तो। भले ही पुलिस ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर एएसपी के अभियान को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन चंद्रशेखर को पुलिस रोक नहीं सकी। चंद्रशेखर रावण के स्वागत सम्मान और युवाओं के जोश को देखकर प्रतीत होता है कि बहुजन बहुजनों की सरकार चाहता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।